बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल में चिकन ब्रेड किस तरीके से बनती है बेकरियों में। सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा मगर बहुत ही कम क्वांटिटी में, ताकि आप अपने घर में ये मेरी रेसिपी बना सकें। तो दोस्तों देखते हैं असल बेकरी वाली चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं चिकन ब्रेड बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 125 ग्राम मैदा में चाहिए, पानी हस्बे मिकदार, ईस्ट इसके लिए हमें चाहिए होगा, ऑयल, मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी, नमक और अंडा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डो बना लेंगे। एक बाउल मैंने रख लिया है, तो इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम पानी, मिल्क पाउडर ये ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल ये इसमें शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, ईस्ट शामिल करेंगे, पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर ये शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर अंडे के शामिल करेंगे। अंडा आप इससे स्किप भी कर सकते हैं अगर जो आप चाहें तो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसकी गुंदाई जो है वो हमने अच्छे तरीके से करनी है, रोटियों वाले आटे से ज़्यादा। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा आप इसकी गुंदाई करेंगे उतना ही इसका जो ईस्ट का जो टेस्ट है, खटास है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर जो आप इसको कम गूँधेंगे तो इसके अंदर खटास रहेगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से तकरीबन 10 मिनट तक गूँध लिया है। अब ऑयल लगा के मैं इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट दूंगा। इसको ऐसी जगह पे रखूंगा जहाँ पे कि गरमाइश हो। गरमाइश वाली जगह पे, गर्म जगह पे कवर करके थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा गूंद के ज़रा सा ऑयल का इसके ऊपर हाथ लगा देंगे ताकि ऊपर से ये सूखे ना। और फिर इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे इसको। इतनी देर में हम अपनी चिकन बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल का शामिल किया है। 100 ग्राम चिकन इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हरी प्याज शामिल कर लेते हैं, आधी हरी प्याज। इसको थोड़ा सा पका लेंगे। 100 ग्राम चिकन बोनलेस ये इसमें मैंने शामिल की है। तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो चिकन की स्मेल वगैरह है वो इसमें से निकल जाए। फिर बाकी सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने फ्राई करना है चिकन को प्याज के साथ। प्याज दोस्तों मैंने लिए हरी प्याज। अब इसके अंदर कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून वो शामिल कर दी है, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून, चाइनीज़ नमक और तिक्का मसाला 2 टेबल स्पून ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको पका के कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारी चिकन भी गल जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बस इसमें उबाल आ जाए। फिर इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो अब इसको मैं कवर करके 15 मिनट तक रख दूँगा मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब कवर हटा लेते हैं। देखिए काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो भी मेल्ट हो चुका है और चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। बीच में एक दफ़ा मैंने इसको चम्मच चला दिया था इसमें। अब 1 पीस टमाटर का पेस्ट ये इसमें शामिल कर दूंगा और थोड़ी सी हरी प्याज मैंने बचा के रख ली थी, हरे पत्ते। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा चिकन के अंदर। अब इसको 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो भी डिज़ोल्व हो जाए और मसाला भी हमारा और अच्छे से भुन जाए। इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे और चूल्हे को हल्का सा खोल देंगे इसके नीचे। तो देखें चिकन माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। तो माशाल्लाह से डो भी हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों। इसको ज़्यादा आपने नहीं फुलाना है। अगर जो आप इसको ज़्यादा रेस्ट देंगे, ज़्यादा फुलाएँगे तो इसमें खटास आ जाती है और खटास आ जाए तो आपकी जो चिकन ब्रेड है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में। तो अब इसके मैं बना रहा हूँ तकरीबन 4 पेड़े, तकरीबन 60 ग्राम के 4 पेड़े मैं बना लूँगा इसके, इस तरीके से। और एक बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो अब हमने इसके बनाने हैं चिकन के रोल। आप जो भी शेप इसकी देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। तो मैं बनाऊंगा इसकी रोल टाइप में, इसको बनाऊंगा इस तरीके से। अब चिकन इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो दोस्तों चिकन का मसाला जब भी आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है तो मसाला ठंडा होना चाहिए, गर्म मसाला आपने इसके अंदर नहीं इसमें फिलिंग देनी वरना ये फट जाते हैं। अब ज़रा सी मैं मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीज़ का इस्तेमाल कर लें वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। तो इसको इस तरीके से फोल्डिंग कराएंगे पहले साइडों से ताकि यहाँ से मसाला निकले ना। हल्का सा पानी लगाएंगे इस तरीके से इसके रोल बना के। तो देखिए कितना सिंपल है रोल बनाना। इसी तरीके से मैं चारों रोलों को बना लूँगा। हल्का सा पानी जिसके जो एंड में उस पर लगाएँगे और जो इसकी जोड़ वाली साइड है उसको नीचे हमने रखना है ओवन की ट्रे में। तो देखिए ओवन की ट्रे को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी के साथ। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगा इसको। दूसरे रोल को भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बेल के। तो दोस्तों ये ज़्यादा इसकी जो परत है वो ज़्यादा मोटी ना हो मैदे की। अगर जो ज़्यादा आप इसकी परत को मोटा रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। इस तरीके से चिकन थोड़ी मैं ज़्यादा ही लगा रहा हूँ, आप थोड़ी कम इसके बीच में फिलिंग देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मोज़रेला चीज़ लगाएंगे, सेम उसी तरीके से इसको पैक करना है। हल्का सा पानी लगा लीजिएगा और इसकी जो जोड़ वाली साइड है वो आपने ट्रे में नीचे ही रखनी है, ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से अच्छे से रोल बन चुका है। तो देखें ये जो जोड़ वाली साइड है इसको आपने नीचे ही रखना है ट्रे में। तो 4 पीस मैंने बना दी हैं। अब इसको मैं रेस्ट के लिए रख रहा हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट मैंने इनको रेस्ट दिया है तो ये थोड़े सेट हो गए हैं। अब जो अंडा बचा हुआ था हाफ अंडा, उससे इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रश की मदद से अंडा लगा देंगे इसके ऊपर ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। दोस्तों अंडा सिर्फ़ और सिर्फ लगाने का मकसद होता है कि इसके ऊपर कलर आ जाए। और इसके ऊपर मैं कलवंजी अंडे के बाद ऐड करूँगा। तो आप चाहें तो सफ़ेद तिल या काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छे से अंडा ब्रश कर देंगे अच्छे से इसके ऊपर। अब कलवंजी है ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। तो दोस्तों इसको मैं पकाऊंगा 200 डिग्री पे, 200 डिग्री पे। तो 200 डिग्री पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है। तो अब इसको ओवन में रख देते हैं। 15 से 20 मिनट ये लेंगे तकरीबन पकने में। ओवन को सेंटर में रखा करें, आप कोई भी चीज़ पकाएं तो सेंटर में बिल्कुल सही पकती है चीज़ें। तो देखिए माशाल्लाह से अभी 5 मिनट हुए हैं तो ये अच्छे से फूल चुके हैं मगर अभी ये कच्चे हैं। तो अभी माशाल्लाह से 10 मिनट हुए हैं तो जो ब्रेड है हमारी वो पक रही है। तो मैं साथ के साथ आपको दिखा भी रहा हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फूल चुकी हैं, एकदम बेकरी जैसी ब्रेड। जिस तरीके से आप चिकन ब्रेड बेकरी से लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो माशाल्लाह से ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका जो कलर है और लुक है कितना ज़बरदस्त आया है माशाल्लाह से। और दोस्तों गरम गरम ब्रेड के ऊपर आप ऑयल से ग्रीसिंग लाजमी कर दिया करें, इससे ब्रेड जो है वो आपकी सॉफ्ट रहेगी, सख्त नहीं होगी, ऊपर से कड़क भी नहीं होगी। तो ग्रीसिंग ऑयल से लाजमी किया करें। हो सके तो देसी घी का भी आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीस करने के लिए ब्रेड को ऊपर से। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो लुक है वो आया है। तो देखिए माशाल्लाह इसका जो लुक है कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल एकदम बेकरी की तरह। तो दोस्तों ये रेसिपी अगर जो आपको बनानी हो तो इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इसका जो मेजरमेंट है उसका पूरा ध्यान रखिएगा। वज़न करके लेनी है आपने सारी चीज़ें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट ये बने हैं हमारी चिकन ब्रेड, आप देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं। तो अब ये गर्म है, जैसे ये और ठंडे होंगे तो और सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अंदर से भी कच्चे नहीं है, कितना ज़बरदस्त अंदर से भी लग रहा है ये। तो दोस्तों चिकन ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।